वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। सभापति जी, आप जब बहुत ही आर्टिकुलेट वे में दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके अभी प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे जरूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकीन हैं, वे जरूर इस पर अब गौर करेंगे, लिखेंगे कि ये 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ ऐसा नहीं है, एक विचार यात्रा भी रही है। जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिल्कुल अलग सा नया बिल इस प्रकार से आया, समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया वो बधाई के पात्र हैं, वरना किसी को लग सकता है भाई 20 साल पहले मैंने तो ये स्टैंड लिया था, अब मैं स्टैंड कैसे बदल सकता हूं। लेकिन आपने जिस प्रकार से आर्टिकुलेट करके इस बात को प्रस्तुत किया, वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई नई बातों को लीड करने का सामर्थ्य रखता है उसका उसमें प्रतिबिंब है। और ये काम इस सदन से हुआ है इसलिए सदन अपने आप में गौरव अनुभव करता है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का और इसमें शरीक होने का मुझे अवसर मिला है। ये साफ कह सकते हैं हम कि कभी चर्चा चल रही थी संविधान निर्माताओं के बीच में कि सदन एक हो या दो हो, लेकिन अनुभव कहता है कि संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वो कितनी उपयुक्त रही है और कितना बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है। अगर निचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है तो ऊपला सदन दूर तक देख सकता है और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में निचले सदन से जमीन से जुड़ी हुई तत्कालीन चीजों का अगर प्रतिबिंब व्यक्त होता है तो यहां बैठे हुए महानुभावों से, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला जरा दूर का देख सकता है तो दूर की दृष्टि का भी अनुभव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हमको देखने को मिलता है। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे, इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है और जरूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। उसी प्रकार से इस देश के गणमान्य दिग्गज महापुरुषों ने इस सदन का नेतृत्व किया है, इस सदन में सहभागिता की है और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को, और आजादी के बाद के बहुत सी चीजें गढ़नी थी, अब तो 50-60 साल के बाद बहुत सी चीजें शेप ले लिया है, लेकिन वो शुरुआत काल में फियर ऑफ अननोन से हमें गुजरना पड़ता था। उस समय जिस मैच्योरिटी के साथ सबने नेतृत्व किया है, दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति जी, ये सदन की बड़ी विशेषता है और दो पहलू खास है, एक तो उसका स्थायित्व, परमानेंट कहें या इटर्नल कहें, और दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी। स्थायित्व तो इसलिए है, इटर्नल इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है, इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है, यानी ये इटर्नल है, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये व्यवस्था इटर्नल रहती है, ये अपनी उसकी विशेषता है। और दूसरा है विविधता, क्योंकि हाँ
राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है। एक प्रकार से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहां पर हर पल हमें प्रेरित करती है। भारत की विविधता, भारत की अनेकता के एकता के जो सूत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है और वो समय समय पर ये रिफ्लेक्ट भी होती रहती है। उसी प्रकार से उन विविधताओं के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तब इस सदन का एक और लाभ भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नहीं होती है। उनका अनुभव, उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग, उनका लाभ देश के राजनीतिक जीवन को, देश के नीति निर्धारण के अंदर उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है और समय समय में मिला है। वैज्ञानिक हो, खेल जगत के लोग हो, कला जगत के लोग हो, कलम के धनी हो, ऐसे अनेक महानुभावों का लाभ, जिनके लिए चुनावी अखाड़े से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण हमारी बौद्धिक संपदा का भी एक रिचनेस हमें इसे प्राप्त हुई है। और इन 250 सत्रों में, और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब आंबेडकर स्वयं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से उनको लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन यही तो राज्यसभा थी जहां बाबा साहब आंबेडकर के कारण देश को बहुत लाभ मिला। और इसलिए हम इस बात पर गर्व करते हैं कि ये सदन है जहां से देश को बाबा साहब आंबेडकर जैसे अनेक महापुरुषों का हमें बहुत ही लाभ मिला। ये भी देखा गया है कि एक लंबा कालखंड ऐसा था कि जहां विपक्ष जैसा कुछ खास नहीं था, विरोध भाव भी बहुत कम था, ऐसा एक बहुत बड़ा कालखंड रहा। और उस समय जो शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे थे, उनको वो सौभाग्य रहा कि उनको इसका बहुत बड़ा सौभाग्य भी मिला, जो आज नहीं है। आज डगर डगर पर संघर्ष रहते हैं, डगर डगर पर विरोध भाव व्यक्त रहता है, लेकिन उस समय जबकि विरोध पक्ष न के बराबर था, इस सदन में ऐसे बहुत ही अनुभव और विद्वान लोग बैठे थे कि उन्होंने शासन व्यवस्था में कभी भी निरंकुशता नहीं आने दी। शासन में बैठे हुए लोगों को सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करने के कठोर काम इस सदन में हुए हैं। ये यानी कितनी बड़ी सेवा हुई है, इसका हम गर्व कर सकते हैं और ये हम सबके लिए स्मरणीय है। आदरणीय सभापति जी, हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस सदन के संबंध में जो बात कही थी, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था, इसी चेयर पर बैठकर के उन्होंने कहा था और वो आज भी उतना ही उपयुक्त है। और आप प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी के बात को उल्लेख करते हो या आप स्वयं अपना दर्द व्यक्त करते हो, ये सारी बातें उसमें है। और उस समय राधाकृष्णन जी ने कहा था, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी संसदीय प्रणाली के औचित्य को साबित करेगी। संविधान का हिस्सा बनी इस द्विसदनीय व्यवस्था की परीक्षा